हाय फ्रेंड्स, मैंने तो नागपाल देखे आपके लिए एक और जो है बच्चे की ये ड्रेस लेकर आई हूँ। किसी ने पिक भेजी थी कि इस तरीके की ड्रेस आप ये देखेंगे, इस तरीके की ड्रेस जो है आप बताएं किस तरीके से बनेगा। अब ये बता दूँ, ये 2 से 2.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाए ये ड्रेस। ये मैंने ड्रेस जो बनाई हुई है और इसमें जो है हार्डली 130 ग्राम के आसपास वूल लगी है। आप देखेंगे इसमें मैंने थोड़े से क्रोशेट के फ्लावर्स बना के लगाए हैं, ये भी इसमें बताया है, और बहुत आसानी से ये बन जाती है। और बैक साइड आप देखेंगे इस तरीके से, इसका ये बैक साइड है। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आप किस तरीके से ऐसी ड्रेस अपने बच्चे के लिए जो है बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। अब देखिए, इसके लिए जो है मैं इस तरीके से, आप ये देखेंगे, वर्धमान की ब्लू बेल वूल ले रही हूँ। दोनों ही कलर्स मैं इसी के ले रही हूँ, एक क्रीम कलर है, एक रेड कलर है, और 9 नंबर की सिलाई से इसे बनाऊंगी। अब देखिए करना क्या है, इस तरह से मैंने एक तरफ तो बना लिया है थोड़ा सा, बट आपने दोनों पार्ट्स एक जैसे बनाने हैं। आप दोनों पार्ट एक जैसे बनाने हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एक पार्ट में तो आप ये देखेंगे मैंने फ्रंट जो है यहाँ पे क्रीम डाला है और यहाँ पे रेड डाला है। अब जो बैक का पार्ट बनाएंगे वो हम यहाँ पे रेड डालेंगे और यहाँ पे क्रीम डालेंगे। बस फ़र्क इतना है, बाकी सारी चीज़ें आपने सेम करते हुए इसमें जो है जानी है। तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे जो है आपने पहले फंदे कैसे डालेंगे, ये जो आप ये देखे होंगे, ये देखिएगा, ये दोनों कलर से फंदे डले हुए हैं, किस तरीके से डालेंगे यहाँ पे बताने जा रही हूँ आपको मैं। अब इस तरीके से पहले हम रेड, क्योंकि यहाँ ये जो फ्रंट साइड है इसमें पहले क्रीम लिया है, तो अब पहले मुझे रेड लेना है। तो हम रेड लेंगे, रेड को आपने इस तरीके से डबल करना है, ऐसे ये डाला आपने, तो आपका जो है एक फंदा हो गया। अब इस तरीके से हमने 47 फंदे ऐसे डालने हैं। अब मैंने इसमें जो है नीचे 94 स्टिचेस डाले हैं। आपने इसी तरीके से पहले रेड से डालना है, मैंने इसमें पहले क्रीम से डाला है। अगर फ्रंट साइड बनाएंगे तो पहले क्रीम से डालेंगे 47 स्टिचेस, और रेड से डालेंगे 47 स्टिचेस। डालना इसी तरीके से जैसे इसमें बताऊंगी। अब मुझे ये बैक साइड बनाना है, तो इसमें मैं जो है 47 स्टिचेस पहले रेड से डालूंगी इस तरीके से। ये हमारे 47 स्टिचेस डल गए। अब हम लेंगे क्रीम कलर, उसमें भी इसी तरीके से आपने फोल्ड करना है ये ऐसे। ये है, अब यहाँ पे ऐसे मोड़ेंगे इस तरीके से, एक फंदा डाल लिया आपने। अब ये जो रेड है इसको आप इस तरीके से यहाँ पे आगे लेंगे और फिर ये लेंगे। अब जैसे हमने यहाँ बाकी स्टिचेस डाले वैसे ही ये वाले स्टिचेस भी ऐसे डालेंगे। 47 स्टिचेस डालने हैं, 47 हमने रेड से डाले और 47 हमने क्रीम से डालने हैं। अब ये देखिए 47 स्टिचेस इससे डाले, 47 इससे डाले, पलट के आपने पूरी लाइन सीधी बनानी है। और आपको बताती हूँ कि आपको दो कलर को किस, वैसे तो ऑलरेडी बता रखा है मैंने कि आप दो कलर को किस तरीके से चलाएंगे, बट यहाँ पे फिर से आपको बताती हूँ। पहले आपने ऐसे, आपने पूरी लाइन ऐसे सीधी करनी है, क्योंकि हम बॉर्डर बना रहे हैं, तो ये लाइन पूरी सीधी करेंगे आप ऐसे। अब ये देखिएगा हम लास्ट में आ गए, यहाँ पे क्या करना है आपने, किस तरीके से करना है, ये आ गए, ये वाला धागा आगे करेंगे ऐसे, इस वाले धागे को खींच लेना इस तरीके से, और फिर इसे फ्रंट ले लेना ऐसे। फ्रंट लेने के बाद अब इससे हम सीधा बनाएंगे, ये देखेंगे, ये देखिए, अब पूरी लाइन ऐसे सीधी करेंगे। अब ये देखिएगा इस तरीके से एक लाइन पूरी सीधी की है। अब फिलहाल 4 लाइनें और सीधी सीधी करनी है, क्योंकि मुझे इसमें आप ये देखेंगे जो है बॉर्डर बनाना है 4 लाइंस का। अब एक बार दिखा देती हूँ आपको कि वहाँ पे सेंटर में आप किस तरीके से करेंगे, बाकी आपने इसे नॉर्मल सीधा सीधा बनाते हुए जाना है। तो अब पहले आप पूरी रेड के फंदे जो है सीधे बनाइएगा। अब ये देखिएगा आपने रेड के फंदे जब ऐसे बना लिए, अब आपने वाइट बनाना है तो ऐसे डालिएगा। ये जो है ये रेड वाला धागा आप ऐसे लेंगे और वाइट को ऐसे लेंगे, यानी कि ये क्रॉस हो रहा है, देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये जो है आपका इस तरीके से क्रॉस हो रहा है। अब आपने क्रॉस करने के बाद इससे
बनाना है। उल्टी साइड में तो मैंने बता दिया क्रॉस किस तरीके से करना है, करना दोनों तरफ से आपने इसी तरीके से है। अब फिलहाल हम इसमें जो है पहले बॉर्डर बनाएंगे, चार लाइंस का बॉर्डर बनेगा और उसके बाद एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी आपने जो है सीधे जो है करते हुए जाना है, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी, कम से कम 8 लाइंस। और उसके बाद जो करना है वो दोनों में सेम करना है, आगे पीछे दोनों में सेम करना है, बट कलर का ही फर्क होगा, अदरवाइज चीज़ें दोनों में सेम होगी आपकी। अब ये देखिएगा यहाँ पे, इसमें बता देती हूँ क्योंकि दोनों सेम करना है। आप ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है इस तरीके से ये बॉर्डर बनाया है, सीधे सीधे का बॉर्डर बनाया, पहले ये पहली लाइन सीधी की है, उसके बाद ये चार लाइंस का बॉर्डर बनाया और यहाँ पे ये मैंने 8 लाइंस किए हैं। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइंस करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे आप ये देखेंगे बैक साइड देखिए कितना बढ़िया तरीके से चढ़ रहा है, इसी तरीके से क्रॉस करते हुए चढ़ाएंगे तो ऐसे बनेगा और सामने से भी बहुत बढ़िया लग रहा है। अब करना क्या है आपने, अब हमें यहाँ और यहाँ एक एक फंदा घटाते हुए जाना है हर 5th लाइन में, जिस तरीके से हम बाजू बनाते हैं हर 5वीं लाइन में, यानी कि एक लाइन के जहाँ घटाएंगे उसके बाद 5 लाइंस के बाद हमने एक एक फंदा घटाना। अब घटाना कैसे देखेंगे आप, ये बता देती हूँ, फिर यही चीज़ आपको दोहरानी है। पहला फंदा ऐसे किया और इसको उतार के आप ऐसे खींचेगा या कैसे भी घटाइएगा वो अपने अपने हिसाब से है। अब ये सारे फंदे सीधे बनेंगे लास्ट तक, लास्ट के 3 फंदों तक आपने ऐसे सीधा बनाना है। ये देखिएगा मिडल में आपने क्या करना है, एक बार क्रॉस करना आपको बता देती हूँ। ये आपने क्रीम कर लिया, अब ये डाला, ये जो है ऐसे और रेड वाला नीचे से, और अब ये सारे सीधे बनाने हैं लास्ट के 3 फंदों तक। अब ये देखिएगा लास्ट के 3 फंदों पे आप आ गए, ये है, इन दोनों को 2 का 1 करेंगे और फिर एक फंदा बनाएंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, उल्टी लाइन बनाई, फिर सीधी बनाई, फिर उल्टी बनाई, फिर सीधी बनाई, मतलब 5 लाइनें करनी है, उल्टी सीधी उल्टी सीधी उल्टी, एंड देन अगेन 6ठी लाइन पे आपने जो है यहाँ पे फिर से ऐसे ही एग्जैक्टली घटाना है, एक फंदा यहाँ पे एक फंदा यहाँ के, हर 5 लाइन करने के बाद 6ठी लाइन पे आपने यहाँ यहाँ एक एक फंदा घटाते हुए फिलहाल जाना है। और फ्रंट एंड बैक साइड एक जैसा बनेगा, बस कलर का डिफरेंस है कि हमने जो है बैक साइड स्टार्टिंग में रेड है और एंड में वाइट क्रीम है, वो क्यों है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि जब आपने इसको पलट के लगाओगे एक दूसरे के साथ तो सेम कलर आना चाहिए, इसीलिए किया हुआ है। बाकी वही है कि हर 5वीं लाइन के बाद 6ठी लाइन पर आपने एक एक फंदा दोनों तरफ घटाते हुए फिलहाल जाना है। अब ये देखिए मैं बनाती भी गई हूँ, यहाँ पे मेरे पास इस समय 37 स्टिचेस रह गए हैं, 37 37 फंदे रह गए हैं और 10 इंच लंबा आप ये देखेंगे बन गया है। अब इसकी जो है आर्म होल की मैंने कटिंग करनी है, अभी बनेगा इसी तरीके एग्जैक्टली क्रीम साइड ये और जो है रेड साइड ये है, बट हम इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे और आर्म होल की कटिंग जो 74 स्टिचेस है उसमें से करेंगे, तो 6 3 1 करके हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। आप देखिए यहाँ पे 6 फंदे आपने ऐसे करने हैं, 1 2 3 4 5 और ये देखिए 6। अब ये 6 फंदे बंद कर लिए, अब जैसे था ये दोनों कलर वैसे ही चलाना है, उल्टी साइड में उस साइड से भी आपने 6 फंदे करने हैं, इसके बाद 3 करेंगे और उसके बाद 1 करेंगे हम। अब ये देखिएगा यहाँ से भी आपने जो है 6 फंदे एक एक करके करने हैं, ऐसे ये किया, फिर आपने ये बनाया, ये बैक का उतार दिया 1, फिर ये 2 3 4 5 और ये 6। अब जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे और उस साइड से फिर पहले 3 करेंगे और उसके बाद 1, यानी कि 6 3 1 का हम जो है इसकी आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं। अब ये देखिए 6 कर लिया है, अब यहाँ से हम 3 फंदे करेंगे, तो इसमें से आपने इसको निकाला 1, फिर बनाया 2, फिर बनाया 3, अब पूरी लाइन जाएगी उल्टे साइड में, यहाँ से 3 होगा,
फिर वापस आएंगे, फिर एक फंदा यहाँ से होगा, एक फंदा यहाँ से होगा, और उसके बाद कुछ लाइनें आपने गला गले की कटिंग तक के लिए आपने नॉर्मल जो है से बनाते हुए इसी तरीके से जाना है। फिर अब देखिए ये जो आर्म होल से मैंने जो है आप ये देखेंगे यहाँ पे 3 इंच के आसपास बन गया है, ये देखिए आप 3 इंच बन गया है, यहाँ तक 3 इंचेस बन गए हैं। अब मुझे इसके गले की कटिंग करनी है, तो गले की कटिंग जो है देखिए किस तरीके से करूँगी। पहले रेड वाले से तो मैं सारा जो है नॉर्मल ऐसे सीधा बनाऊँगी, ये बना लिया। यहाँ पे बता दूँ आपको 54 स्टिचेस है मेरे पास। अब ये बनाने के बाद और हम जो है शोल्डर पे 14 स्टिचेस 14 स्टिचेस रखेंगे ये करने। अब यहाँ से मैं इसे बंद करना शुरू कर दूंगी। देखिए ये बनाया एक, ये बनाया वाइट वाला एक, क्योंकि दोनों को अलग अलग बंद करना है। ये दो, ये तीन, चार, पांच, छः और ये सात। ये देखिएगा 7 फंदे ऐसे बंद कर दिए। अब पूरी लाइन सीधी, फिर उल्टी, फिर 3 फंदे करूंगी, फिर 2 फंदे करूंगी, फिर 1 फंदे करूंगी इस तरीके। और हम जो है शोल्डर पे 14 स्टिचेस 14 स्टिचेस रखेंगे। ये देखिए किया, पलट के पूरी लाइन उल्टी बनेगी, सिर्फ लास्ट का फंदा बिना बुने हुए उतरेगा। ये देखिए लास्ट का फंदा आपने ऐसे उतारा, पलट के 3 फंदे बंद करने हैं, एक, दो, तीन। फिर पूरी लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, उसके बाद 2 फंदे करने हैं। ये देखिए लास्ट वाला फंदा बिना बुने हुए उतारा, पलट लिया, फिर 2 फंदे करने हैं, एक और एक दो। अब इसके बाद एक फंदा करना है। ये उतार लिया, पलट लिया और ये लास्ट फंदा। अब देखिएगा आपने मैंने क्या किया, 7, पहले 7 किया, फिर 3 किया, फिर 2 किया, फिर 1 किया, यानी कि 13 स्टिचेस मैंने इस साइड बंद किए हैं। और हम जो है शोल्डर पे 14 स्टिचेस 14 स्टिचेस रखेंगे। शोल्डर पूरा होने तक इस क्रीम कलर को मैं ऐसे ही एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करती हुई जाऊंगी। अब मैं आपको रेड साइड भी दिखा देती हूँ कैसे करना है, फिर आप दोनों को एक साथ बनाइएगा। अब ये देखिएगा ये हो गया। फिलहाल इसे मैं फिर शोल्डर तक पूरा होने तक ऐसे ही बनाऊंगी। अब आ जाते हैं राइट साइड की भी बता देती हूँ कटिंग, फिर इकट्ठे बना देंगे। अब रेड साइड की कटिंग के लिए देखिए ये जो फंदा है ये अपने ऐसे लेना है, ध्यान से देखिएगा, ये लिया आपने इस पे, फिर इन दोनों को आपने रेड से 2 का 1 करना है। अब यहाँ से हम एक एक फंदा बंद करते हुए जाएंगे, जैसे 7 फंदे इधर किए थे 7 इधर करने हैं। देखेंगे 1, 2, 3, 4 5 6 और ये 7। ये देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसीलिए ये उठाया क्योंकि ये एक जैसा राउंड आए। अब वही पूरी लाइन उल्टी, फिर सीधी और फिर अगली लाइन में 3 फंदे बंद करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे। एग्जैक्टली सेम उतने ही करने हैं और 18 स्टिच रहने पे आपने फिर इसे शोल्डर पूरा होने तक जो है बनाना है। ये देखिएगा, ये देखिए, देख रहे हैं आप एग्जैक्टली बिल्कुल गोल आया। तो अब वही 7 किए हैं, फिर पूरी लाइन करूंगी, फिर 3 करूंगी, फिर पूरी लाइन करूंगी, फिर 2 करूंगी, फिर पूरी लाइन करूंगी, 1 करूंगी और उसके बाद शोल्डर पूरा होने तक आप इसे इसको रेड और इसको व्हाइट जो क्रीम है बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से जो है गले की कटिंग हो गई दोनों तरफ देखेंगे आप।
अब मैंने गलती से 18 स्टिचेस बोल दिए थे, पर यहाँ पे मेरे पास 14 और 14 ही रहते हैं, 13 और 13 26 होते हैं, 14 और 14 28, ये स्टिचेस है मेरे पास। आगे और पीछे जो शोल्डर पे आपने रखना है, दैट इज़ 14 स्टिचेस एंड 14 स्टिचेस, 14 14 स्टिचेस आपने शोल्डर पे जो है रखने हैं। अब इसे हम नॉर्मल बनाते हुए जाएंगे। आप देखेंगे दोनों, ये क्रीम बनाना है, ये रेड बनाना है, इसे इसी तरीके से एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करते हुए इन 14 फंदों को हम जाएंगे। अब आप ये देखिए बना लिया है ये मैंने आर्म होल के बाद, ये 4 इंच आप ये देखेंगे, देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे 4 इंच है, तो यहाँ पे करूँगी तो 4.5 होगा, ये 4 इंच पे आया है। अब इसकी थोड़ी सी गले की कटिंग करनी है और थोड़ा उसके बाद इसमें ऊपर बनाना है। अब देखिएगा गले की कटिंग इसमें किस तरीके से करेंगे। पहले तो हम ये वाले फंदे नॉर्मल जैसे हम सीधे बनाते हैं उस तरीके से क्रीम कलर से बनाएंगे, क्योंकि अब ये देखिएगा इस तरीके से आपने क्रीम कलर बना लिया। अब यहाँ से हम कटिंग शुरू करेंगे, ये वाली कटिंग हम बाद में करेंगे। अब रेड से कटिंग शुरू करेंगे तो आपने क्या करना है, देखिए ये बनाया एक, ये बनाया, इस रेड वाले को इसके ऊपर से उतार दिया, एक ये देख रहे हैं दो तीन चार पांच छ और ये 7, ये देखिए। अब आपने 7 फंदे इस तरीके से बंद किए, पूरी लाइन सीधी जाएगी और उसके बाद फिर से हम जो है उल्टी लाइन के बाद फिर से करेंगे, पहले पूरी लाइन सीधी करेंगे और एक लाइन उल्टी करेंगे। ये लास्ट वाला फंदा आपने ऐसे उतारा, पलट लीजिएगा, पलटने के बाद इसमें से इस वाले फंदे को आप निकालेंगे, एक फिर बनाएंगे ये दो फिर बनाएंगे 3। अब पहले 7 किया फिर 3 किया, इसके बाद 2 और 1 करेंगे। अब देखिए इसमें यहाँ से भी बता देती हूँ आपको किस तरीके से आपने जो है फंदे बंद करने हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो है यहाँ पे पहले ये वाला फंदा आप ऐसे लेंगे, वो इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसके साथ इसकी सिमेट्री बन जाए। अब इन दो फंदों को आप ऐसे 2 का 1 करेंगे उल्टे में, ये किया आपने, ये देखिए 2 का 1 किया। अब ये बनाया, अब यहाँ से हम बाइंड करना शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये देखिएगा ये 7 फंदे हो गए। अब यहाँ पे दिखा दूँ आपको कि ये देखेंगे, ये अगर हमने उठा के किया तब ये आपका ये शेप इस तरीके से आएगी। अब फिलहाल ये वाले पूरी लाइन आपने ऐसे उल्टी बनानी है, सीधे बनाने के बाद फिर से 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे, जिस तरीके से हमने वो साइड किया है एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से हम ये वाली साइड भी करेंगे। अब ये देखिए ये हमारी कटिंग पूरी हो गई है। मैं आपको बता दूं पहले यहाँ पे 14 और यहाँ पे 14 फंदे हैं, यानी कि 14 14 स्टिचेस है, जिसे आपको थोड़ा सा और बनाना है क्योंकि ये बैक साइड है, तो मैंने कटिंग जो है थोड़ी ऊपर की है, तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी और उसके बाद जो है इसको हम फ्रंट के साथ जोड़ देंगे। 14 स्टिचेस यहाँ है, 14 यहाँ है। अब ये देखिए मैंने बना लिया है, ये देखेंगे आप। अब ये कितना बनाया है थोड़ा सा बता देती हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि अब हमने फ्रंट एंड बैक साइड इसकी जोड़नी है आपस में। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ये देखेंगे 6 इंच आया है, ये देखिए 6 इंच यहाँ तक है और ये हिस्सा आधा इंच ले लेंगे, 6.5 इंच आया है। फ्रंट एंड बैक इस तरीके से किया, बैक में थोड़ा सा ऊपर को किया है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से। अब हमने इसे जोड़ना है, अब जोड़ना है हमने इस तरीके से, ये देखिए, यानी कि रेड का हिस्सा रेड पे रहेगा, वाइट का हिस्सा वाइट पे रहेगा, आपस में हमने इसे सिलाई से ऐसे जोड़ लेना है। अब दोनों हिस्सों को पहले हम जोड़ेंगे, ये देखिएगा ऐसे है, ये वाला लिया फिर ये लिया, आपस में अपने ऐसे बना दिया, उतार दिया, ये लिया ये लिया, ऐसे बनाया, बैक साइड का फंदा इसके ऊपर से उतार दिया, ये लिया ऐसे। अब सारे फंदे ये वाले भी और वो वाइट वाले भी आपस में आपने इसी तरीके से पहले जोड़ लेने हैं।
अब अभी देखिए मैंने सिल लिया है, अब हमें इसका गला बनाना है और साइड के यहाँ के बॉर्डर और गले का बॉर्डर बनाना है, बाकी हम साइड्स इसके सिल लेंगे। अब गले का बॉर्डर बनाने के लिए आप ये देखेंगे मैंने जो है 40 सेंटीमीटर की सर्कुलर निडल ली है, निडल मैंने आप ये देखेंगे 10 नंबर की ली है। यहाँ से शुरू करूँगी इस तरीके से फंदे उठाना, ये देखिए ये फंदे राउंड में उठाऊंगी क्योंकि यहाँ हम एक ही कलर से बना रहे हैं, तो इस तरीके से एक एक फंदा करके मैं इसमें राउंड में फंदे उठाऊंगी पहले। अब आप ये देखिए 74 स्टिचेस इसमें आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, एक लाइन तो मैं पहले ऐसे उल्टी करूँगी, पूरी एक लाइन हमने इस तरीके से उल्टी बनानी है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैं पूरी लाइन जो है उल्टी बना रही हूँ इस तरीके से। अब ये देखिए पूरी लाइन हमने उल्टी कर ली है, आप देखिएगा किस तरीके से करना है। यहाँ पे धागा मैं यहीं रहने दूंगी और इन दोनों को मैं दो का एक करूँगी, ये देखिए ऐसे, ये है, ये किया ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ यानी कि मैं जाली डाल रही हूँ और इन दो फंदों को आपने दो का एक करना है, फिर जाली धागा अपनी तरफ जाली डालने के लिए दो फंदों को दो का एक करना है, फिर जाली डालने के लिए धागा अपनी तरफ दो का एक, पूरी लाइन गोल में अब आपने इसी तरीके से करनी है, यानी कि हम जाली डाल रहे हैं तो फंदे बड़े भी ना, इसलिए हम दो का एक कर रहे हैं इस तरीके से। देखिए धागा अपनी तरफ किया, इन दोनों को दो का एक किया, तो आपकी ये जाली भी डल गई और दो फंदे जो है दो का एक भी हो गए, बड़े नहीं, तो पूरी लाइन इसी तरीके से कीजिएगा अब आप। अब आप ये देखिए हम लास्ट पे आ गए हैं, तो लास्ट पे ये दो फंदे आपको दो का एक करने हैं, तो हमने पूरी जो लाइन है बेसिकली जाली बनाई है इसमें ऐसे। अब एक लाइन हमने पूरी सीधी करनी है, तो आप इस लाइन को पहले तो इस तरीके से पूरी लाइन सीधी कीजिएगा ऐसे, ये देखिए पूरा सीधा बनाना है। अब आप ये देखिए पूरी लाइन हमने इस तरीके से सीधी बना ली, अब धागा अपनी तरफ करके ध्यान से देखिएगा क्या करूँगी, ये बनाया आपने उल्टा, फिर ये बनाया उल्टा और इसको आपने इसके ऊपर से उतार दिया, अगेन ये उल्टा बनाया, ये आपने इसके ऊपर से उतार दिया, तो हम इसे बाइंड ऑफ कर रहे हैं उल्टे में, ये उल्टा बनाया, ये वाला फंदा उतार दिया ऐसे, ये उल्टा बनाया और ये वाला फंदा आपने इसके ऊपर से उतार दिया। अब पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करके बंद कर देनी है, देखेंगे देख रहे हैं आप, ऐसे बनाना है आपने। अब पूरी लाइन मैं ऐसे ही करूँगी, उल्टा बनाऊँगी, फिर ये वाला फंदा इसके ऊपर से उतार दूँगी, ये उल्टा बनाऊँगी, ये इसके ऊपर से उतार दिया, ये उल्टा बनाया उतार दिया, पूरा ही ऐसे कीजिएगा, बंद कर दीजिएगा इसे। अब अभी देखिए साइड्स भी मैंने इसके सिल लिए हैं, अब हमें जो है जिस तरीके से एग्जैक्टली सेम मैंने गला बनाया है उसी तरीके से दोनों बनाएंगे, लेकिन यहाँ मैं वाइट से बनाऊंगी और यहाँ मैं रेड से बनाऊंगी, बस इस चीज़ का फ़र्क रखूंगी। आप चाहे तो रेड से भी बना सकते हैं और अगर आप चाहे तो ये गला आप यहाँ से वाइट भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी अपनी चॉइस है। अब देखिए यहाँ से मैं फंदे उठाना शुरू करूँगी और राउंड में फंदे उठाऊँगी और जैसे एग्जैक्टली सेम मैंने गला किया था वैसे ही एग्जैक्टली सेम मैं दोनों बाजू के जो है बॉर्डर करूंगी। अभी देखिए इस तरीके से आपने पहले राउंड में करना है, उसके बाद आप एक सिलाई उल्टी बनाएंगे, फिर आप जाली डालेंगे, फिर उसके बाद एक सिलाई सीधी बनेगी और फिर उसके बाद बंद हो जाएगा उल्टे में, तो आपने एग्जैक्टली सेम गले की तरह ही इसे भी करना है। अब ये देखिए 56 स्टिचेस मैंने इसमें उठा लिए हैं, 56 स्टिचेस उठाने के बाद आप वही एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर करूंगी जो हमने यहाँ पे गले में किया है, पहली लाइन उल्टी बनाऊंगी, फिर उसमें जो है आपने जाली डालनी है एंड देन उसके बाद एक लाइन पूरी सीधी करनी है और उसके बाद आपने जो है उसे उल्टे में बंद कर देना है, सेम प्रोसीजर करूँगी, तो आप वहीं पे देखकर इसे इस प्रोसीजर को कीजिएगा, दोनों बाजू में सेम प्रोसीजर गले का ही करूँगी। तो चलिए पहले दोनों बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक किस तरीके से आया और हम फ्रंट में इसके जो है फ्लावर्स लगाने जा रहे हैं, तो फ्लावर्स किस तरीके से आप बनाएंगे वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। अब आप ये देखिए तैयार हो गया दोनों बाजू इसकी, जैसे मैंने आपको बताया जैसे गला किया है एग्जैक्टली सेम आप ये देखेंगे मैंने जो है दोनों इसकी बाजू करी है। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे मैंने फूल लगाया है, अभी फ्लावर्स ऑलरेडी वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको यहाँ पे
थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आप ये फ्लावर्स किस तरीके से बना के इसमें जो है लगा सकते हैं। अब देखिएगा आपने जो है, अब आप देखिए इस फूल बनाने के लिए आपने क्या करना है कि इस तरीके से धागा लेंगे और आप क्रोशेट ले लेंगे ऐसे। ये मैंने 3 mm का क्रोशेट लिया है। अब ये फूल आप किस तरीके से बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पे आपने पहले तो ऐसे घुमा के एक चेन ऐसे बना दी, ध्यान से देखिएगा, ये धागे को लपेटा। अब यहीं पे हम जो है 5 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर धागे को ऐसे लेंगे, ध्यान से देखिएगा, और जो फर्स्ट वाला चेन है उसमें डालेंगे और इस फंदे को ऐसे निकाल लेंगे। थोड़ा सा खींच लीजिएगा ताकि इसके बराबर आ जाए, ये खींचा आपने। फिर एक चेन को आपने इन दोनों में से निकालना है और दूसरी चेन को ऐसे। तो देखिए इस तरीके से अभी आपका ऐसे आया है। अब करना क्या है, ये धागा लपेटा, ध्यान से देखिएगा, 1, फिर इसमें डाला, इसमें से निकाला, फिर लपेटा, 2, फिर इसमें डाला, इसमें से निकाला, फिर लपेटा, 3, इसमें डाला, इसमें से निकाला, 4, इसमें डाला, इसमें से निकाला, 5, इसमें डाला, इसमें निकाला। अब ये आपकी मर्जी, आप यहाँ पे 5, 10 कितने भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, हमने ये धागा लेना है, इनमें से ऐसे निकाल लेना है सब में से, और जो लास्ट का फंदा था वहाँ तक आपने इस तरीके से निकाल लेना है। ये देखिए ये आ गया, ये आपका, और ये देख रहे हैं ऐसे आया है। अब ये निकालने के बाद आपने इन दोनों को 2 का 1 कर लेना है। अभी आपका इस तरीके से बना है। अब एक बार लपेटेंगे, 2 बार लपेटेंगे, फिर ये जो पहला वाला था यहाँ पे डालेंगे, जो हमारा था इसमें से ऐसे निकाला। अब देखिए करना क्या है, ये फंदा लिया, इन दो में से निकाला, फिर आपने फंदा लिया, इन दो में से निकाला, फिर लिया, इन दो में से निकाला, फिर लिया, इन दो में से निकाला। तो देखिए अभी आपके पास इस तरीके से आया है। अब इसमें डाला, ऐसे निकाला, इन दोनों को 2 का 1 कर दिया, ये डाला, ऐसे निकाला, इन दोनों को 2 का 1 किया, 2 बार ये डाला, 3 बार ये डाला, 4 बार ये डाला, 5 ये डाला, 6, 7 और ये देखेंगे आप 8, 8 टाइम्स आपने इस तरीके से किया है। अब 8 टाइम्स करने के बाद यहाँ पे जो ये है, ये देख रहे हैं आप, दूसरा यहाँ डाला इस तरीके से, इसमें से निकाला और इसमें से निकाल लिया। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पे भी हमें 8 टाइम्स इसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने ये किया। तो ये डाला, ये निकाला, इन दोनों को 2 का 1 किया, 1, ये डाला, निकाला, 2 का 1 किया, 2, ये डाला, निकाला, 2 का 1 किया, 3, 4, पांच, छः, सात, 8, देखिए 8 टाइम्स हो गया। अब यहाँ सेंटर में से डाल के ये निकाला और फिर इसमें से निकाला। तो देखिए अभी आपका इस तरीके से बना है। अब एग्जैक्टली सेम जैसे हमने पहली वाले उससे किया है वहीं से हम करेंगे दोबारा। 5 चेन्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 चेन बना ली, फिर धागे को ऐसे लपेटा, फिर यहाँ पे गए, ऐसे निकाला, हल्का सा खींच लिया ताकि इसके बराबर आएगा ये। ऐसे खींचने के बाद आपने इस 2 में से पहले निकालना है और फिर इन 2 में से निकालना है। ये देखिए अब वही, ये लपेटा, इसमें डाला, इसमें से निकाला 1 बार, फिर लपेटा, फिर डाला, फिर निकाला, 2 बार लपेटा, डाला, निकाला, 3 बार, ये 4 बार और ये 5 बार। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप 5, 7 जितने भी रखना चाहे।
पांच बार करने के बाद ये निकाला और ये जो लास्ट का फंदा है यहाँ से ऐसे, और इसके बाद इन दोनों में से ये निकाला, फिर एक बार लपेटा, दो बार लपेटा, इसमें डाला, ऐसे लिया, ये देखेंगे ऐसे आया, फिर ये लिया, इन दोनों में से निकाला, ये लिया, इन दोनों में से निकाला, ये लिया, इन दोनों में से निकाला। अब वही फिर से आठ बार जो हमने यहाँ किया था वही करना है आपने। ये डालना है, ऐसे निकालना है, इन दो को दो का एक करना है, ये डालना है, ऐसे निकालना है, दो का एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ। देखिए एट टाइम तो हो गया आपका यहाँ पे। अब आपने क्या करना है कि ऐसे घुमाना है, धागा नीचे से ही रहेगा, ये जो सेंटर ये देख रहे दूसरा, ये इसमें डाल के इसमें से निकालेंगे और फिर इसमें से निकाल देंगे। ये देखिए अब फिर से यहाँ पे आठ बार आपने वैसे ही करना है, ये डाला, ऐसे निकाला, एक, फिर डाला, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, फिर ये सेंटर में डाला ऐसे, इसमें निकाला और इसमें निकाला। अब फिर से वही जो मैंने बताया, पांच चेने बनाएंगे फिर यही बनाएंगे, इसी तरीके से फिलहाल जितना बड़ा आपको फूल चाहिए इसे आप कंटिन्यू करते हुए ऐसे जाएंगे। अब ये देखिए कंटिन्यू करती गई हूँ, यहाँ पे मेरे पास छः इस तरीके से बन गए हैं। अब आपने इसको आपस में ऐसे करना है, ये धागा है मेरा, अब मैं जो स्टार्टिंग पॉइंट था मेरा वहाँ पर इसमें डालूँगी, ध्यान से देखिएगा, ये डालूँगी ऐसे, धागे को लूँगी, इसमें से निकाला और फिर इसमें से निकाला, तो यहाँ पे जो है आपका ये ऐसे बंद हो जाएगा, देख रहे हैं आप। अब एक फंदा आप बना लीजिएगा, अब यहाँ पे इसे काटेंगे हम थोड़ा सा और थोड़ा लंबा रखेंगे ताकि सिलने में इसे हम यूज़ कर पाए। ये देखिए ये है, ये निकाल लिया आपने ऐसे इस तरीके से। अब इन्हें हमने बंद कैसे करना है, सबसे पहला तो ये जो है ये बंद करेंगे, इसके साथ इसको बांध देंगे हम ऐसे, इस वाले पोर्शन को काट दूंगी, ये देखिए ऐसे है आपका। अब ये लेंगे, ध्यान से देखिएगा मैं फूल को आकार किस तरीके से दूंगी ये मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। आपने लिया सुई, सुई में ये धागा डाला आपने ऐसे, ये डाला। अब ये अभी बैक साइड है, देख रहे हैं आप, ये फ्रंट है इसका, ये बैक है, यहाँ से शुरू करेंगे, धागा आपका यहाँ पे है, ये जो दो है सेंटर के इनमें से ऐसे डालूंगी, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये ऐसे, ये डाला ऐसे खींचा, फिर दूसरा लूँगी इनके सेंटर में से डालूँगी ऐसे, फिर तीसरा लूँगी इनके सेंटर में से डालूँगी ऐसे, फिर चौथा लूँगी इनके सेंटर में से डालूँगी ऐसे, और ये पाँचवा आ गया आपका ऐसे, देखिए ये लीजिएगा, और ये छः है, छठा आ गया आपका, छः फूल बने हैं, छः पेटल्स बेसिकली बने हैं। ये करने के बाद देखिए ऐसे किया आपने, अब आप इसे खींच लीजिएगा, देखिए ये हो गया, ये यहाँ से इसका देखिए कितना खूबसूरत से आपका फूल बन गया है। अब ये देखिए इस तरीके से जब आपका ये फूल बन गया, आपने यहाँ से ऐसे डालना है, इस मोती डालने के लिए ये डाला, फिर आपने मोती डाला, इसे खींच दिया, और फिर यहाँ से मैं इसमें वापस डालूँ। तो इस तरीके से आपका जो ये फूल है, आप चाहे तो इसको बड़ा भी बना सकते हैं, 9 पेटल्स बना लीजिए, 10 बना लीजिए, 8 बना लीजिए, वो आप अपने हिसाब से इसको जो है बना सकते हैं। तो अब देखिए जब ये आपका बन गया तो आप इसे इसमें लगाएंगे कैसे, देखेंगे आप, ये है, ये लगाएंगे कैसे, ये मैंने एक थोड़ा सा जो है आप ये देखेंगे एक गैप रखा है, वो गैप आप अपनी उंगलियों से भी नाप सकते हैं, ये देखेंगे आप, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक और लगना है, तो आप ये देखेंगे मैंने वाइट भी तैयार करके रखा हुआ है इस तरीके से, ये आप यहाँ पे जोड़ देंगे। अब मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ से नीचे से ऐसे लेंगे, फिर इस तरीके से लेंगे इसे बंद करने के लिए,
फिर वापस लिया आपने ऐसे, आराम से आसानी से बंद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। आप चाहे तो जितने भी फ्लावर्स इसमें ऊपर नीचे लगा सकते हैं। ये देखिए, ये लिया, वाइट हटा दीजिए, ये डाला वापस हमने, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिया आपने ऐसे, क्योंकि ये नज़र नहीं आता है इसीलिए हम इस तरीके से इसको लगा देते हैं। ये देखिए, ये लिया नीचे से और खींच दिया, ये लग गया आपका, देखेंगे फ्लावर इस तरीके से। अब नीचे से अंदर की तरफ आप इसे बंद कर दीजिएगा। तो ऐसे ही आपने सारे फ्लावर्स इसमें जो है लगा लेने हैं। देखिए ये है, ये लिया नीचे की तरफ बंद कर दीजिएगा अच्छे से। अब देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। और अब एक वाइट में यहाँ पे इतने इस पर लगाऊंगी, तो ये इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं, किसी पे भी लगा सकते हैं आप ये फ्लावर्स। कैसे, अब ये देखिएगा, इसमें मैंने ये चारों लगा लिए हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा जो है ये ड्रेस बच्चे की बन गई है इस तरीके से, ये देखेंगे। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।